हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डर्मा कोके वाइटामिन सी सीरम का रिव्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वाले सीरम को इस्तेमाल करने से मुझे कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं। तो डेफिनेटली मुझे कुछ साइड इफेक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं, मुझे इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट को स्किप मत करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का। तो इस सीरम में आपको 20% कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी मिलता है और साथ में ये प्रोडक्ट दो खास इंग्रेडिएंट के साथ आता है, जो कि है फेनोलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड। फेनोलिक एसिड की वजह से विटामिन सी की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। दिन और रात दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट। साथ में इसका जो प्राइस है वो है 899 रुपीज़। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। 2 साल की शेल्फ लाइफ के साथ ये प्रोडक्ट आता है। बहुत ज़्यादा हीट वाली जगह पे इसको स्टोर नहीं करना है, अदरवाइज़ इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। साथ में ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, डाई फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, तो ये भी इसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में इसके और भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डिटेल में आप लोग इसकी बॉक्स में देख सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, दिन में 2 बार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले फेस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में अप्लाई नहीं हो पाता है। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे आपकी स्किन पील होती है या फिर स्किन में इरिटेशन है ऑलरेडी, बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है अगर आप लोगों की, तो कॉशन के तौर पर यहाँ पर दिया है कि आप लोग इस प्रोडक्ट को अवॉइड करिए। और साथ में ये प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो प्लीज़ इस्तेमाल करने के पहले अगर आप लोग पैच टेस्ट कर लें तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ी सी क्वालिटी की बात कर लें तो ये प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है, सीरम भी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही कंसिस्टेंसी में आता है, इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ आता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इनके फ़ायदों के बारे में बता देती हूँ, इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जो विटामिन सी सीरम होता है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट है और मैं पिछले काफ़ी सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अलग अलग ब्रांड्स का मैंने यूज़ किया है, लेकिन डर्माको का मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी। तो पिछले 1 महीने से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 हफ्ते तक मुझे कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इवन हो गई थी, इवन छोटे मोटे से जो पिगमेंटेशन और छोटे मोटे से जो स्कार्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। स्किन आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगती है, काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइट इफेक्ट आते हैं आपकी स्किन पे। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, अच्छा सा ग्लो भी आता है। तो ये वाला प्रोडक्ट के ढेर सारे फ़ायदे मुझे देखने को मिले हैं। जैसे मैं इस प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसका यूज़ करना बंद नहीं किया है, जबकि मुझे इसके थोड़े से नुकसान भी हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके साइड इफेक्ट क्या हुए हैं। तो फ्रेंड्स, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए हैं। जब इसका 1 हफ्ते का मैंने यूज़ किया था तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगी थी। स्किन में यहाँ पर थोड़े से वाइट पैचेस होने लगे थे। मैं जब भी कोई प्रोडक्ट लगा रही थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, इवन कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। मेरी स्किन की क्वालिटी थोड़ी सी ड्राई है, तो मैं एक गलती कर रही थी कि मैं जब भी ये सीरम लगाती थी उसके बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही थी। और जैसे विटामिन सी सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप सीरम लगाइए उसके बाद एक हैवी मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए। तो जैसे अभी विंटर्स का टाइम है, मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है, तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा और हैवी मॉइस्चराइजर आपको लगाना है। समर्स का टाइम होता है तो फिर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए, लेकिन मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़रूरी है सीरम के बाद। और प्रिकॉशन के तौर पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग बिगिनर हो, ड्राई स्किन है आपकी या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और पहली बार आप लोग कोई विटामिन सी सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी सीरम ही यूज़ करिए। ये 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी सीरम है। मैंने इससे पहले भी 20% कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी सीरम लगाया था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन इस ब्रांड का जब मैंने विटामिन सी सीरम लगाया है तो मुझे थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम फील हुई है, लेकिन इसके ढेर सारे बेनिफिट भी मिले हैं। इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ अभी भी और आगे भी कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। प्रिकॉशन बस यही लेना है कि हैवी मॉइस्चराइजर लगाना है, धूप में जब भी जाना है तो अच्छा सनस्क्रीन लगाना है, और अगर बिगिनर हैं तो फिर 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला विटामिन सी सीरम ही यूज़ करिएगा। बस इतनी सी बात का ही ध्यान रखेंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको इसके ढेर सारे फायदे ही मिलेंगे। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।